हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी है दोस्तों, अडानी ग्रुप में आज ही पोस्ट आउट हुई है, कुछ टाइम पहले ही पोस्ट आउट हुई है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स वालों के लिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें एक्सपीरियंस वाले भी एलिजिबल, इसमें कोई एग्जाम नहीं होनी है, कोई फीस नहीं है, ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी, आप जरूर इसको सबमिट करें। चलिए आइए शुरू करते। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं एक ही चीज बोलूंगा, आपने कुल 25% दोस्तों सब्सक्राइब किया है। दोस्तों अगर आप देखते ही हैं तो सब्सक्राइब कर ही दे, उससे आप ही का बेनिफिट है, आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी आएगा और आपके पास ऑप्शन ज्यादा रहेंगे। तो क्योंकि आपके एक छोटे से सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेट, हमें मोटिवेट करता है अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो चलिए ये शुरू करते हैं। ग्रुप है दोस्तों, इसमें फॉर्च्यून वगैरह सब अडानी के अंदर ही है। अडानी के अलग अलग दोस्तों सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग काम है दोस्तों। इसके डायरेक्टली जैसे आप करियर पोर्टल पे जाएंगे, वहां करंट अपॉर्चुनिटी में ओपन हो गए दोस्तों, इस तरीके की कुछ सीट आएगी। तो दोस्तों ये पर्टिकुलर आपको क्या करना है, वैसे तो वैकेंसी बहुत सारी पोस्ट आउट है दोस्तों, AGM अलग अलग उसमें। तो दोस्तों मैं अभी देख रहा था तो कुछ एक वैकेंसी जो आज ही पोस्ट आउट हुई है, मतलब जो 18 तारीख को ही पोस्ट आउट हुई है, तो मैं इसीलिए आपके सामने लाया दूसरे, क्योंकि देखिए इतने बड़े ग्रुप में एक आध वैकेंसी नहीं निकलती है कि एक ये दो निकल गई। तो दोस्तों इसमें खाली ग्रेजुएट इन्होंने मांगा है और पर्टिकुलर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशन जो है ये टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर के लिए दोस्तों इसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मतलब आपके पास बीटेक टेक्निकल डिग्री कोई भी हो तो आप चलेगा दोस्तों। इसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं बट आप एलिजिबल नहीं होंगे, वो आपको नहीं कॉल करेंगे दोस्तों। इसमें एलिजिबिलिटी खाली बीटेक वालों की ही होगी, बीटेक या बीई वालों की, और एमटेक है तो ज्यादा और ज्यादा अच्छा है, बट बीटेक वालों को ही फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो दोस्तों इसका अप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि ये आज ही पोस्ट आउट हुई है, तो दोस्तों इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है, यहां जैसे क्लिक है तो आपको अप्लाई ऑनलाइन कर देना है दोस्तों। उससे पहले मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, बहुत बंदे ऐसे हैं कि जो डिम करते हैं कि आपको जॉब नहीं मिली दोस्तों। आप ना सच में, मैं आपसे गलत नहीं बोल रहा, बट बहुत बंदे ऐसे जिनको जॉब मिलती है, बट खाली फर्क ये है कि आप बता दे, आप नहीं बता पाते वो बता देते हैं, वो आप वो नहीं बता पाते आप बता देते हैं। तो चलिए इस तरीके की सीट के बाद आप दोस्तों इसमें अपना कुछ इस तरीके की आपके सामने सीट ओपन होके आ जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे आप पर्टिकुलर आप देख ही रहे होंगे रिज्यूम अपलोड, तो अपलोड रिज्यूम में दोस्तों आई डोंट वांट टू अपलोड रिज्यूम, आई वांट टू अपलोड रिज्यूम, एक चीज याद रख लीजिए। आप अगर स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 100% आपको रिज्यूम अपलोड करना है अपना, चाहे ये मना भी कर रहे हो तब भी आपको क्लिक करके इस पे अपलोड करना है। अब आया दूसरा इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों देखिए क्या है कि यहाँ पर्टिकुलर कहीं भी आपका एक्सपीरियंस इन्होंने नहीं मांगा है, तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, कभी आप जाके आगे जाके कुछ भी कमेंट करने लगे उससे पहले एक बार पूरा डिटेल देख लीजिए। ये दूसरा दोस्तों इनमें आप ये डिटेल आप भर देंगे, मेन है इसमें सोर्स टाइप। सोर्स टाइप में आपको क्या करना है, सब अलग अलग भरिएगा, सब अलग अलग, मतलब अगर कोई जॉब बोर्ड प्रिंट मीडिया अलग अलग, मतलब आप मैक्सिमम तो यही करेंगे अवर वेबसाइट, मतलब इन्हीं की वेबसाइट पे जाके मैक्सिमम यही प्रेफर करना, बट हो सके तो अलग अलग करना, क्योंकि आपके बाद में आप ही को उसका खाम भुगतना होगा। ये पर्टिकुलर आपको अपने हिसाब से देखना है, ये पूरा का पूरा इसमें कुछ ऐसा बताने वाली चीज नहीं है, आपको डिटेल्ड वाइज जो भी आपका है, आप कहाँ से रेफरेंस करते हैं, वो पूरा पर्सनल डिटेल आपकी मांगेगा। उसके बाद आ गई दोस्तों इस, ये आपने एजुकेशनल डिटेल जो जो आपने कर रखी है वो अपना डाल दीजिएगा पूरा, जहां से आपने किया है टाइप, कौन कौन सा टाइप था, पूरा का पूरा आप डाल दीजिएगा। अब आया एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। देखिए एम्प्लॉयर में आपको क्या डालना है, फ्रेशर, स्टार्ट डेट आपको कोई भी डाल देनी है, मतलब जब आपका एग्जाम खत्म हुआ है तो तब की डेट डाल देनी है, और अगर किसी ने अप्रेंटिसशिप की है, किसी ने इंटर्नशिप की है, तो उसकी डेट डाल दीजिएगा, कहाँ से की है वो एम्प्लॉयर नेम में डाल दीजिएगा। और दोस्तों सैलरी आपको कितनी चाहिए दोस्तों इंडस्ट्री में, दोस्तों जहाँ स्टार मार्क है वो तो जरूर फिलअप कर दीजिएगा, इंडस्ट्री में दोस्तों अदर कर दीजिएगा। और एनुअल सैलरी तो मैं यही बोलूंगा कि कम से कम ही आप पाएंगे, कोई भी बड़ी कंपनी जल्दी ले लेती है, इंटरव्यू कम कंडक्ट करती है, आप सैलरी एक बार कम ही रखिएगा, एक बार जॉब लग जाए फिर तो अपने हिसाब से आप बढ़ते ही रहेंगे। सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस में जरूरत नहीं है, ये उनके लिए जरूरत है जो आउट ऑफ इंडिया से आते हैं, जिनके पास लाइसेंस होता है, ये उनके लिए जरूरत है, इनके में कोई नहीं है। फाइल अटैचमेंट में आप फाइल अटैच कर दीजिएगा, जो भी आपकी फाइल है, मतलब आप कवर लेटर जरूर अटैच कर दीजिएगा, कवर लेटर आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप PDF में करके और इसको अपने बारे में डिटेल लिख के वो कवर लेटर का आपको फॉर्मेट वहां मिल जाएगा, वहां से आप PDF में करके यहां अटैच जरूर कर दीजिएगा। ई सिग्नेचर में दोस्तों क्या करना है, आपको ई सिग्नेचर में अपना नाम लिख के, आपको दिखा देता हूं, इसमें नाम लिख के अपना एंटर योर फुल नेम करके सेव एंड कंटिन्यू रिव्यू एंड सबमिट कर दीजिएगा। और दोस्तों इसका अगर मेल आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो
आप वेट कीजिएगा, मेल जरूर आएगा आपकी मेल आईडी पे। तो उसके बाद क्या होगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। मैं कुछ दिनों में जैसे इसकी कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छी थी, अगर वेट चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल फॉर डेली अपडेट के लिए, और टेलीग्राम चैनल को मेरा फॉलो करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।